शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिश्तेदार आपके दोस्त थे, आपके पड़ोसी थे, तो रो क्यों रहे भाई इतना? जी कहिए, मैं ही द्विवेदी जी का बेटा हूँ। जी वो आपके पिताजी की अमानत आपको सौंपनी है। अमानत? वो क्या है कि कुछ दिन पहले आपके पिताजी हमारी आर्ट गैलरी में आए थे और ये 20,000 की पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद आई थी। 1,000 रुपए एडवांस दे चुके हैं, बाकी के पैसे डिलीवरी होने पर लेने को कहा था। तो पेंटिंग? अजीब बात है, पिताजी का तो पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। मरने का शौक था? नहीं, फिर भी मर गए ना। लेकिन देखो, कभी कभी आदमी है ना, शौक से ऐसे काम कर जाता है जिसका उसे कोई शौक ही नहीं होता। हाउ शॉकिंग इज दैट? शॉकिंग। छोड़िए ना भाई साहब, फटाफट पैसे दे दीजिए। बिल्कुल, अंकल की भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। करेक्ट, पता नहीं कहां भटक रही है। पापा की पेंटिंग, हमारे पैसे, ये 20, थैंक यू, ये लो 19, ये हाथ में पकड़िए, वो 1,000 गुड लक का दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्ते। इतनी मेहनत से पेंटिंग लाया, खोल के देखो तो सही। ए रुको, देखो यार, अभी डिस्काउंट मत मांगना यार। ये क्या है? पेंटिंग है, और क्या? ओ, किस चीज की पेंटिंग है ये? घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है। अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? घास तो घोड़ा घोड़ा खा गया ना। तो घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाइयों? सही बात है, सही बात है, चला गया वो, चला गया। हम चलते हैं, चलते हैं। नमस्ते, नमस्ते जी, थैंक यू। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, घास एक बार फिर उगेगी ना तो घोड़ा अपने आप वापस आ जाएगा। मैं हमको गोवा जाना है, कोई फ्लाइट है? यू आर लेट सर, गोवा की आखिरी फ्लाइट 15 मिनट पहले ही निकल चुकी है। अरे ओके ओके, दूसरी कोई फ्लाइट होगी? कल तक कोई फ्लाइट नहीं है सर। अरे कोई प्राइवेट प्लेन? नो सर। कोई नहीं? अरे बाबा, पापा जी, जो आप क्या बोल रही है, प्राइवेट प्लेन तो खड़ा है। प्लेन खड़ा हुआ है मगर पायलट तो लेटा हुआ है ना। लेटा हुआ है? किसके साथ, कहाँ लेटा है? सर हेलो, हेलो सर, हेलो मिस्टर ड्राइवर, सर उठिए। अरे अरे हेलो ड्राइवर जी, ओ ड्राइवर जी, अरे कुंभकर्ण भाई लागे छे भाई, एक अरे ड्राइवर, ये ऐसे नहीं उठेगा, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। अरे ओ ड्राइवर, ओ मिस्टर ड्राइवर, क्रैश 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 नहीं, क्रैक होगा। देखो आप लोग कौन है यार? बमन नारी सर, हमें गोवा लेकर चलिए प्लीज। सॉरी, आज मेरा हाफ डे। हमें गोवा ले तो चलिए, हम आपके हाफ डे को फुल डे कर देंगे। नहीं नहीं, बस सर मना मत कीजिए सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, गोवा के हॉस्पिटल में। चलिए ना सर, आपको आपकी माँ का वास्ता। माँ, माँ जो माँ मुझे पैदा होते ही छोड़ के चली गई उसका वास्ता देते हो, तुम्हारी माँ का वास्ता अपने पास ही रखो। माँ का नहीं, माँ का नहीं, मामा का वास्ता दिया था। मामा का वास्ता? आई किल यू, मेरा मामा कंस और शकुनी का भी बाप था। खाने को गाली और पीने को पानी के अलावा कुछ नहीं दिया कमीने ने, और ऐसे एक मामा का वास्ता दे रहे सारे। बाप का वास्ता मत देना, क्योंकि आज तक मुझे ही पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। मेरा घटिया बाप मेरी माँ को माँ बना के चला गया था, मालूम है? माँ को माँ बना के? अरे बिन ब्याही माँ यार। अगर
एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो आई विल चॉप हिज लेग्स। सर आपको आपके इसका वास्ता दे सकते हैं? अरे यार ये क्या कह दिया तुम लोगों ने? क्या हुआ? अरे इसका वास्ता तो मुझे जन्म तक ले जा सकता है। बोलो दोस्तों कहाँ जाना है? गोवा। सॉरी भाई साहब, वो हमको पता नहीं था ना कि वो बाइक आपकी नहीं है। बाइक मेरी नहीं थी तो इतना मारा, अगर मेरी होती तो कितना मारता। पूछ तो ले रहा यार बाइक उसकी है कि नहीं। सुन तो लेते कि वो तू बहस कर रहा है मेरे साथ, तू बहस कर रहा है मेरे साथ, मुझे सिखाएगा तू? तेरे वजह से वो बाइक चली गई, बता? वो बाइक अगर होती ना फटाफट हम लोग गोवा पहुंचे होते। तेरे वजह से ना वो जैकेट वाले को हम लोगों ने पीट दिया। शरीफ आदमी था वो। आदमी क्या आदमी? आदमी इधर देख, इधर देख, उल्लू का पट्टा लग रहा हूं मैं। वो आदमी है पैजामे कुर्ते में, बाइक पे बैठा निकल लिया। अरे हम लोग यहीं पे। आधी आधी बोल तो रहा था, आधी आधी बोल रहा था, गाड़ी गाड़ी नहीं बोल सकता था। I'm not so smart ना, मम्मी। बंद कर, रोना बंद कर। जब गिरा। विद्यार्थियों ने तो देश की हालत हालत चौपट कर दी है। हाथ का जोड़ रही है सर। निकालो रुपया, नहीं देख कान के नीचे भी खींच के। ये का है? ये बंदूक है। हैंड्स अप, अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। ड्राइवर भाई गाड़ी रोक दो। बता रहे बाबू भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे सस्ती चीजों का शौक तो मुझे भी नहीं है। बाबू भाई से बदतमीजी मत करियो। मुझे मारा तो मारा, अगर तूने बाबू भाई के हाथ लगाए ना तो बाबू भाई की। ए इंस्पेक्टर समझा देता हूँ तुझे मैं। तू क्या समझेगा बे? अभी मेरे को मारा तो ठीक है, पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। बाबू भाई की माँ की। इंस्पेक्टर तेरी तो मेरे को मारा तो ठीक है, पर बाबू भाई का होता कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। कर कर जो तुझे करना है, करना। हाँ तो करूंगा ना, तू क्या मुझे रोकेगा? साले दो कौड़ी के डाकू, साइकिल लूटने की औकात नहीं है तेरी, और बस लूटने चला है। हाँ साले गोली जितनी साइज है तेरी, बंदूक उठाते तुझे शर्म नहीं आती? अबे तेरे जैसे को तो मैं हर शनिवार को 5 हरी मिर्चों के साथ अपने घर के बाहर लटकाता हूँ, समझा ना भाई? नीमू बोल रहा है आपको मालूम है? मालूम है। ठीक से बांधा कर यार, आदमी खुल जाता है फिर उससे ऐसी वैसी हरकतें सुस्ती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं बाबू भाई हाँ। चल बांध बांध।
ना ये गाड़ी चलने के लायक है, ना तू कहीं ले जाने के लायक है। मेरा बंदोबस्त हो गया, तेरा बंदोबस्त करता हूँ। अरे भाई साहब पकड़िए इसे। अरे लेकिन अरे पकड़िए, बहुत अर्जेंट है बाथरूम। अरे अभी आ रहे तेरे पापा। गुड्डू आधे घंटे के अंदर हम गोवा में होंगे। चेंजर नाला है, चेंज कर। चंदा मामा के प्यारा मेरा मामा, मेरी क्या चेंज कर, चेंज कर यार। हिस्ट्री बुक ये क्या कर रहे हैं? अरे लड़की इधर आ, इधर आ, अरे इधर बैठ बैठ सर, बैठ सर। अरे ये बमन कैसे हवाई जहाज उड़ाएगा? शट अप, यू शट अप। अरे पायलट साहब, अरे मिस्टर ड्राइवर, फिर से इमोशनल कर दिया ना तूने। उसको गाना चलाने की क्या जरूरत थी यार? अरे ये तो फिर से दारू पीने लग गया, ये सब तेरी वजह से हुआ।
गार्डन में हूँ बेटा। गार्डन में? अबे हैंगिंग गार्डन में। हेलो 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 नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, डी के मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ यहाँ। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार, क्या इतना स्लो चल यार। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें। अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन बमन। हाँ तो बमन बमन, मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे भाई देखिए क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। पिस्टन टेक्नोलॉजी, दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। दो इंजन, दो फैन और पहिए तीन। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए दो द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है, हमें अंकल को बचाना चाहिए। अरे मगर वो हमारा ड्राइवर भी नहीं है। तो क्या हुआ, वो हमारी वजह से प्रॉब्लम में पड़े? मगर हम तुम्हारी बात क्यों माने, क्योंकि मेरे पास सारी चॉकलेट्स है। तो बचाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, रस्सी लेके आता हूँ। तो मैं सचमुच हैंगिंग गार्डन में हूँ कि झूला झूलने चले? बकवास बंद कर और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसानों को धैर्य रखना चाहिए। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखें, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मौत! नहीं नहीं, मौत से पहले आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। ठीक से सुनता नहीं यार। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है पर दूसरा इंजन चालू है। थैंक गॉड, दूसरा इंजन चालू है। नहीं नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओ खुदा! अरे बेटा तुम लोग यहाँ रुको, मैं ऊपर जाके तुम लोगों को बचाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं अंकल, मैं भी आपके साथ ऊपर चलूंगी। चलो ठीक है। और हम लोग तुम दोनों बाद में आना, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। चलो भाई साहब।
भाई साहब, चलो माँ। बचाने आया हूँ, गिल्ली डंडा खेलने थोड़ी आया हूँ। अरे भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए और कम से कम शांति तो जरूर रखिए। हमारे पास कुछ भी रखने का टाइम नहीं है। ओके, अभी आप एक काम कीजिए, फ्यूल मीटर पर इंडिकेशन देखिए। थैंक गॉड, यहाँ पे रेड लाइट चालू है। मतलब आपका फ्यूल भी खत्म होने वाला है। क्या? अब हम क्या करें? अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए। क्या? हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान, हमसे जो पाप हुए हैं, उन्हें माफ करना। उन्हें माफ कर दो। हम तेरी शरण में आ रहे हैं। हम तुम्हारी शरण। चुप, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते भाई। चाहो ना चाहो, एक दिन सभी को मरना है, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे कभी दूर नहीं रहती। इंसान बेखबर रहता है और मौत पल पल उसके करीब बढ़ती रहती है और अचानक एकदम करीब पहुंच जाती है। सर, मौत हमारे भी करीब पहुंच चुकी है। स्टॉप, 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 रोको, प्लीज, 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 प्लीज। अयो गोवा तक छोड़ सकते हैं। गोवा, गोवा। अयो आओ ना जी, आओ। क्यों ना? थैंक यू वेरी मच फॉर द लिफ्ट। कितना टाइम लगेगा गोवा पहुंचने में? देखो, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। वाओ, थैंक यू। माय नेम मानव श्रीवास्तव, ये आदित्य श्रीवास्तव। आदि आदि। एंड योर गुड नेम प्लीज? अय्यर। अय्यर वेणुगोपाल अय्यर। वेणुगोपाल अय्यर। முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். சிவ வெங்கட ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். ஸ்ரீபரவர்தன அட்டப்பட்டு ஜெய சூர்ய லக்ஷ்மண சிவராமகிருஷ்ண சிவ வெங்கட ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயரா. லக்ஷ்மண சிவராமகிருஷ்ண मुझे नहीं जाना देखा कहीं भी, पागल है। अयो अयो, हम छोड़ देते ना जी आपको। मुझे छोड़ा सर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना लंबा नाम है तेरा। नहीं सर, नहीं सर, दिस इज ओनली माय पेट नेम सर। पेट जूता निकलो सर, पेट पेट नेम है। तो आपका पूरा नाम क्या है सर? बताता ना जी। तू सारा कुछ नहीं बताएगा, तू कुछ नहीं बताएगा। तू बाहर निकल, माना बाहर निकल, पूरा नाम कुछ नहीं बता कर ना। चुप चुप सुदेव। बबुआ
हमें मौत से छिपना नहीं चाहिए क्योंकि मौत हमें कहीं भी ढूंढ सकती है। मैंने थोड़ी तुम्हें प्लेन पे बिठाया यार, अबे हम भी तो हैं जो किसी की हेल्प नहीं मांगते, और तुम क्यों करते हो ऐसा काम कि किसी की हेल्प मांगने की जरूरत पड़े? Oh.